नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी गार्डनिंग भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए, मेरे एनुअल क्राइसेंथेमम में बहुत ही खूबसूरत जो है वो फ्लावरिंग जो है वो हो रही है। और मैं जब भी मॉर्निंग में आती हूँ और इनके फ्लावर्स को देखती हूँ, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इनके फ्लावर्स जो हैं वो होते हैं और बेहद ही खूबसूरत ये लगते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो इस ऑर्नामेंटल प्लांट जो है हमारा रबर प्लांट, इस पर है। आज इसी के बारे में हम बातचीत करेंगे कि इसकी जो केयर है वो किस तरह से की जाए। फ्रेंड्स, बड़े बचपन में हमने सुना हुआ था कि एक ऐसा भी पौधा है जो इंडोर प्लांट है और इसे बिना धूप के भी हम ग्रो कर सकते हैं। उस टाइम पे हमारा इतना इंटरेस्ट जो था वो गार्डनिंग में नहीं होता था। हमने यही सुना था कि हाँ, खेती बाड़ी होती है, लोग अपने लॉन वगैरह में जो है वो प्लांट्स वगैरह जो हैं वो ग्रो करते हैं। लेकिन ये एज ए इंडोर प्लांट के रूप में इस पौधे ने बहुत ही पॉपुलैरिटी जो थी पाई थी और अब तो लोगों का जो रुझान है वो काफ़ी टाइम से बालकनी गार्डनिंग, चाहे उनके घर में स्पेस हो या ना हो, वो टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, छतों पे ही सब्जियां वगैरह ग्रो कर रहे हैं। तो बात मैं इस रबर प्लांट के बारे में कर रही थी कि बड़े बचपन में हमने ये सुना हुआ था कि रबर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो जिसे हम बिना सनलाइट के भी इनको ग्रो कर सकते हैं। तो आज इसी के बारे में मैं बातचीत करूँगी, इसकी रिक्वायरमेंट के बारे में। और मैंने इसको प्री विंटर्स में फ्रेंड्स इसको मैंने ग्रो करा था, तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा डर भी था कि विंटर्स आने वाली हैं तो शायद, पता नहीं, ये जो पौधा है वो विंटर में थोड़ा सा कहीं इसकी लीव्स जो है वो गिर ना जाएं और ये पौधा कहीं ख़राब ना हो जाए। लेकिन आप देखिए, ये बिल्कुल आउटडोर में ये पौधा जो था वो रखा हुआ था और ये एज़ इट इज़ इसी तरह से ही है। और जिससे पता चलता है कि ये जो पौधा है बड़ा ही हार्डी प्लांट है। जैसे अगर मैं कंपेयर करूँ, जिस तरह की हमारे क्रॉटन्स वगैरह की विंटर्स में काफ़ी लीव्स जो हैं वो गिर जाती हैं, और तो लेकिन ये बड़ा ही हार्ड प्लांट है। और फ्रेंड्स, आपने देखा होगा मोस्टली इस पौधे को ज़मीन में लगा हुआ, तो ये पौधा जो है वो काफ़ी बड़ा ट्री भी बन जाता है। और लेकिन मैंने इसको इस सेरामिक पॉट में मैंने इसको ग्रो करा हुआ है। और जब भी आप इसको पॉट में इसको ग्रो करें तो कोशिश करें कि इसको बड़े वाले पॉट में लगाएं। मैंने तो इसको सेरामिक पॉट में लगाया, लेकिन मैं इसका पॉट जो है वो चेंज जो है वो ज़रूर करूँगी। आप ये देख रहे हैं, ये एक छोटा सा एक सेरामिक पॉट है, तो इसको मैंने एज इट इज़ इसी तरह से इसको ग्रो करा हुआ है। आगे चल के मैं इसका पॉट भी जो है वो चेंज करूँगी और इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए इसके अच्छा सा एक पॉट दीजिए, ताकि इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से चले। इसकी क्योंकि ये इसे काफ़ी हाइट भी ये पौधा ले लेता है, जिसके चलते इसको काफ़ी बिग पॉट में पॉट की जो ज़रूरत होती है। तो आप भी इसको बड़े वाले पॉट में आप इसको लगाएं। और इसके साथ साथ मैं अगर इसकी लोकेशन की बात करूँ फ्रेंड्स, तो इसको थोड़ा सा शेड पसंद करता है ये प्लांट। और जैसे और गर्मियाँ इसका जो है वो इसका ग्रोइंग पीरियड होता है, समर इसका ग्रोइंग पीरियड होता है, और तब इसकी जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छे से चलती है। विंटर्स में ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है, हालांकि ये है बहुत ही हार्डी प्लांट है, थोड़ा सा स्लो ग्रोथ करता है। अगर मैं कंपेयर करूँ कि अगर आपने इसको ज़मीन में लगाया हुआ है तो तब तो इसको किसी भी केयर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन गमले में ये थोड़ा सा स्लो ग्रोथ करता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसकी एक लीव्स भी जो है वो भी यहाँ पर ही आप देख सकते हैं, इसकी लीव्स भी जो है वो आ रही है। तो अब आगे आगे चल के ये और भी बड़ा हो जाएगा पौधा। तो आप इसकी लोकेशन जो है वो सेमी शेड इसकी चूज़ करें, या फिर मॉर्निंग की धूप जहाँ पर आए वहाँ पर इस पौधे को आप या इसके पॉट को आप प्लेस कर दें और बाकी टाइम इसको थोड़ा सा शेड में रखें, ताकि इस पौधे की जो खूबसूरती है वो बरकरार रहे। उसके साथ साथ जब भी आप इसको किसी भी मिट्टी में आप इसको लगाएं फ्रेंड्स, तो मिट्टी इसकी वेल ड्रेन बनाएं। वेल ड्रेन, जिसका ड्रेनेज जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर मिट्टी आपकी वेल ड्रेन होती है फ्रेंड्स, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो पानी जो है वो रुका नहीं रहता पॉट्स में, और एक्स्ट्रा जितना पौधे को पानी चाहिए वो उतना पानी ले लेता है, बाकी जो पानी है वो अपने ड्रेनेज होल से ड्रेन कर लेता है, जिससे कि ओवरऑल जो ग्रोथ है पौधे की वो अच्छी रहती है।
और फ्रेंड्स जैसे कि अब इसका ये समर जो है वो ग्रोइंग पीरियड जा रहा है, तो इस टाइम पर आप इसके गमले में एक मुट्ठी गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट जो आप अपने गार्डन में अपने पौधों को देते हैं, तो आप इसके पॉटिंग मिक्स में आप इनको डाल दीजिए। फिर इन पौधों को खाद देना भूल जाएँ, क्योंकि इनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, या फिर साल में एक बार या दो बार आप इनको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं, और इससे इनको धीरे धीरे जो है न्यूट्रिशंस जो है वो मिलते रहें। और मैं जैसे और पौधों को खाद दे देती हूँ, ऑर्गेनिक ही देती हूँ, कोव मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट जो है वो मैं दे देती हूँ। उसमें नाइट्रोजन रहता है, और नाइट्रोजन जो है ये हमारे कोव मैन्योर वर्मी कंपोस्ट ये स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र जो होते हैं, जो धीरे धीरे हमारे पौधे को पूरी न्यूट्रिशंस जो है वो इससे मिलती रहती है। और फ्रेंड्स प्रोपोगेट तो मैंने अभी तक इस पौधे को नहीं करा है, लेकिन ये कटिंग से या एयर लेयरिंग से बहुत ही ईजिली ये ग्रो हो जाता है। हाँ, कटिंग ग्रो करने में मुझे लगता थोड़ा सा टाइम ये ज़रूर लेता होगा, और रेनी सीज़न में या स्प्रिंग सीज़न जैसे कि अभी जो मौसम जा रहा है बहुत अच्छा है, आप इसको इसकी कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। पार्क साइड एरिया में भी ये पौधे जो हैं ग्रो हुए आपने देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े ट्री, तो वहाँ से भी आप इनकी कटिंग्स को ला सकते हैं। आपको नर्सरी से इनको बाय करने की भी ज़रूरत जो है वो नहीं है। और फ्रेंड्स इसके अलावा जब भी आप इसकी वाटरिंग करें तो कोशिश करें इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखें, ओवर वाटरिंग मत करें, और बस मिट्टी जो है वो थोड़ी सी मॉइस्ट रहनी चाहिए। और इसके अलावा जब वाटरिंग करें तो कोशिश करें इसकी मिट्टी जब ड्राई हो जाए तभी सेकंड टाइम इस पर इसको वाटरिंग करें, और बस इसको थोड़ा सा आप इसको शेड में रख दीजिए। और बड़ा ही हार्डी प्लांट है, जिस तरह से मैंने बताया कि मैंने विंटर इसको आउटडोर जाके रखा हुआ था, और ये तब भी बड़ी आसानी से ये पौधा जो था वो ग्रो हो गया। और आशा करती हूँ आज की ये जानकारी रबर प्लांट पर आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।